हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ वर्क गोल्डन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सेकंड स्टोरी ऑफ 6 to 10। स्टोरी ऑफ 6 to 10, तो फर्स्ट नंबर की स्टोरी देखते हैं, 6 की स्टोरी ऑफ 6। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, लुक एट द पिक्चर, रीड एंड लर्न। आपको यहाँ पे पिक्चर देखना है, ये रीड करना है और लर्न करना है। यहाँ पे रेड फ्लावर दिए हैं और ब्लू फ्लावर दिए हैं, तो हमें अलग अलग उसे काउंट करके लिख के प्लस करना है। जैसे कि रेड, तो रेड कितने हैं, 1, तो 1 लिखेंगे। ब्लू कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिखेंगे। 1 + 5 कितने होंगे, 6। सेकेंड नंबर में रेड कितने हैं, 1, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ब्लू कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 लिखेंगे। तो 2 + 4 कितने होंगे, 6। यहाँ पे रेड दिए हैं 3, 1, 2, 3, तो 3 लिखेंगे। और ब्लू भी दिए हैं 1, 2, 3, तो 3 + 3, 6। यहाँ पे रेड दिए हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 लिखेंगे। और ब्लू दिए हैं 1, 2, 2 लिखेंगे, तो 4 + 2, 6। यहाँ पे रेड 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिखा है। और ब्लू 1 है, तो 1 लिखा है। 5 + 1, 6, यानी 1 + 5 होते हैं 6, 2 + 4 भी कितने होते हैं, 6, 3 + 3 भी 6, 4 + 2 भी 6, और 5 + 1 भी 6 होते हैं। ओके, चलो यहाँ पे असाइनमेंट 1 दिया है, रीड द एडिशन फैक्ट एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। फर्स्ट नंबर देखते हैं, 1 + 5 = 6। हमने ऊपर देखा था 1 + 5 कितना होता है, 6। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, ये 6 लिखा है, 6 में से पहले 5 को लेस किया है, तो 6 - 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। फिर से एक बार, 1 + 5 = 6। अब 6 में से 5 को लेस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1, और 6 में से 1 को लेस करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 5। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 2 + 4 = 6। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 में से 4 को कट करेंगे, तो 6 - 4, तो 6 - 4 आंसर कितना आएगा हमारा, 2। अब 6 में से किसको लेस करेंगे, 2 को लेस करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। सेकंड नंबर है हमारा स्टोरी ऑफ 7। सेकंड नंबर स्टोरी ऑफ 7, तो इसमें भी वही प्रोसेस है। देखो यहाँ पे ब्लू फ्लावर दिया है 1, तो 1 लिखा है। रेड दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लिखा है। 1 + 6 कितने होंगे, 7। ब्लू दिया है 1, 2, 2 लिखा है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5, 2 + 5, 7। यहाँ पे ब्लू दिए हैं 1, 2, 3, तो 3 लिखा है। 1, 2, 3, 4, रेड 4 है, तो 4 लिखा है, तो 3 + 4 कितने होंगे, 7। यहाँ पे ब्लू दिया है 1, 2, 3, 4, तो 4 लिखा है। और रेड 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3, तो 4 + 3 भी कितने होंगे, 7। ब्लू है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 लिखा है। और रेड 1, 2, 2 लिखा है, तो 5 + 2 भी कितने होंगे, 7। ब्लू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लिखा है। और रेड 1, तो 6 + 1 भी कितने होंगे, 7। फिर से एक बार देखते हैं, 1 + 6 कितने होते हैं, 7, 2 + 5, 7, 3 + 4, 7, 4 + 3, 7, 5 + 2, 7, और 6 + 1 भी 7। नाउ असाइनमेंट 2, फिर से वही एक्सरसाइज है, रीड द एडिशन फैक्ट एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स।
1 + 6 = 7। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 में से 6 को लेस करेंगे, तो 7 में से 6 जाए तो आंसर क्या होगा, 1। अब 7 में से 1 को लेस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 6। नाउ सेकंड नंबर, 2 + 5 = 7। तो हम पहले 7 में से 5 को लेस करेंगे, तो 7 - 5, तो 7 - 5 कितने होंगे, 2। अब 7 में से 2 को कट करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5। नाउ थर्ड नंबर, 3 + 4 = 7। 3 + 4 = 7। तो 7 में से फर्स्ट हम पहले 4 को माइनस करेंगे, तो 7 - 4 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। नाउ नंबर थर्ड, स्टोरी ऑफ 8। 8 की स्टोरी करेंगे, वही सेम है, लुक एट द पिक्चर एंड रीड एंड लर्न। तो ब्लू फ्लावर है तो 1 लिखा है, रेड फ्लावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लिखा है, तो 1 + 7 = 8। ब्लू दिए है यहाँ पे 1, 2, 2 लिखेंगे, और रेड दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 + 6 भी कितना होगा, 8। यहाँ पे ब्लू फ्लावर 1, 2, 3, 3 लिखा है, रेड फ्लावर 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिखा है, 3 + 5 भी 8। ब्लू फ्लावर 1, 2, 3, 4, 4 लिखा है, और रेड फ्लावर 1, 2, 3, 4, 4 लिखा है, 4 + 4 भी कितने होंगे, 8। ब्लू फ्लावर 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिखा, रेड फ्लावर 1, 2, 3, 3 लिखा है, तो 5 + 3 भी 8 होते हैं। ब्लू फ्लावर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लिखा, रेड फ्लावर 1, 2, 2 लिखा है, तो 6 + 2 भी कितने होते हैं, 8। नाउ लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ब्लू फ्लावर कितने हैं, 7, तो 7 लिखा है, और रेड फ्लावर ओनली 1, तो 7 + 1 भी 8 होता है। तो 1 + 7 = 8, 2 + 6 = 8, 3 + 5 = 8, 4 + 4 = 8, 5 + 3 = 8, 6 + 2 = 8, और 7 + 1 = 8। नाउ असाइनमेंट नंबर 3, 1 + 7 = 8, 1 + 7 = 8। तो हम क्या करेंगे, 8 में से पहले 7 को कट करेंगे, तो 8 - 7, तो 8 में से 7 कट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब 8 में से 1 को कट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7। सेकंड नंबर दिया है, 2 + 6 = 8, 2 + 6 = 8, तो हम पहले 8 में से 6 को लेस करेंगे, तो 8 - 6, तो 8 में से 6 जाए तो आंसर 2 आएगा। अब हम 8 में से 2 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। थर्ड नंबर, 3 + 5 = 8, 3 + 5 = 8, तो हम पहले 8 में से 5 को लेस करेंगे, तो 8 - 5 = हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। और 8 में से अब 3 को कट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। नाउ फोर नंबर, स्टोरी ऑफ नाइन। तो यहाँ पे ग्रीन और येलो फ्लावर दिए हैं, तो पहले ग्रीन, तो ग्रीन कितने हैं, 1, तो 1 लिखेंगे, और येलो कितने हैं, 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट, तो एट लिखा है, वन प्लस एट इज इक्वल टू नाइन। ग्रीन फ्लावर काउंट करते हैं, वन टू, टू लिखा है, येलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन लिखा है, टू प्लस सेवन इज इक्वल टू नाइन। नाउ ग्रीन वन टू थ्री, और तो थ्री लिखा है, और येलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लिखा है, थ्री प्लस सिक्स भी कितने होते हैं नाइन। ग्रीन वाले वन टू थ्री फोर, फोर लिखा है, येलो वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव लिखा है, फोर प्लस फाइव भी कितने होते हैं नाइन। ग्रीन वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव लिखा है, येलो वन टू थ्री फोर, फोर लिखा है, फाइव प्लस फोर कितने होते हैं नाइन। ग्रीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स लिखा है, एंड येलो वन टू थ्री, थ्री है, तो सिक्स प्लस थ्री भी कितने होते हैं नाइन। ग्रीन वाले काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन लिखा है, एंड येलो वन टू, टू लिखा है, तो सेवन प्लस टू भी कितने होते हैं नाइन। ग्रीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट लिखा है, एंड येलो वन है, तो वन लिखा है, तो एट प्लस वन भी कितने होते हैं नाइन। नाउ असाइनमेंट फोर, सेम एक्सरसाइज है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया है, वन प्लस एट इज इक्वल टू नाइन, वन प्लस एट इज इक्वल टू नाइन। तो हम क्या करेंगे, पहले नाइन में से एट को लेस करेंगे, तो नाइन माइनस एट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन। अब नाइन में से हम वन को लेस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एट। सेकंड नंबर, टू प्लस सेवन इज इक्वल टू नाइन, टू प्लस सेवन इज इक्वल टू नाइन, तो हम पहले नाइन में से सेवन को कट करेंगे, नाइन माइनस सेवन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू। अब हम नाइन में से टू को कट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेवन। नाउ थर्ड नंबर, थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू नाइन, थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू नाइन, तो पहले हम नाइन में से सिक्स को लेस करेंगे, तो नाइन माइनस सिक्स, तो नाइन में से सिक्स है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थ्री। अब नाइन में से थ्री को कट करेंगे, तो नाइन माइनस थ्री, तो आंसर क्या आएगा, सिक्स। नाउ फोर नंबर, फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन, फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन, तो पहले हम नाइन में से फाइव को कट करेंगे, तो नाइन माइनस फाइव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर। और अब नाइन में से फोर को कट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइव। नाउ स्टोरी ऑफ फाइव नंबर, स्टोरी ऑफ टेन, स्टोरी ऑफ टेन, यहाँ पे ग्रीन एंड ऑरेंज दिए हैं, तो पहले ग्रीन कितने स्टार है, वन, तो वन लिखा है, एंड ऑरेंज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन लिखा है, तो वन प्लस नाइन कितने होंगे, टेन। ग्रीन वन टू, तो टू लिखा है, ऑरेंज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो एट लिखा है, तो टू प्लस एट टेन। वन टू थ्री, तो थ्री लिखा है, ऑरेंज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन लिखा है, थ्री प्लस सेवन भी टेन होते हैं। वन टू थ्री फोर, फोर ग्रीन है,
तो फोर लिखा है. नाउ ऑरेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लिखा है. 4 + 6 कितने होते हैं? 10. नाउ ग्रीन, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिखा है. ऑरेंज, 1, 2, 3, 4, 5, वो भी 5 है, तो 5 + 5 भी कितने होते हैं? 10. नाउ ग्रीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लिखा है. ऑरेंज, 1, 2, 3, 4, तो 4 लिखा है. 6 + 4 भी कितने होते हैं? 10. ग्रीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लिखा है. और ऑरेंज, 1, 2, 3, 3 लिखा है. 7 + 3 भी कितने होते हैं? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 लिखा है. एंड ऑरेंज, 1, 2, 2 लिखा है. 8 + 2 भी कितने होते हैं? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 और ऑरेंज कितने हैं? 1, तो 9 + 1 भी 10. फिर से देखते हैं, 1 + 9 इज इक्वल टू 10, 2 + 8 इज इक्वल टू 10, 3 + 7 इज इक्वल टू 10, 4 + 6 इज इक्वल टू 10, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, 7 + 3 इज इक्वल टू 10, 8 + 2 इज इक्वल टू 10, एंड 9 + 1 इज इक्वल टू 10. नाउ असाइनमेंट 5. 1 + 9 इज इक्वल टू 10. 1 + 9 इज इक्वल टू 10. तो हम पहले 10 में से 9 को लेस करेंगे, तो 10 - 9, तो 10 में से 9 जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1. अब 10 में से 1 को लेस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 9. चलो सेकंड आप कोई भी ले सकते हो, पर हम 2 नंबर का लेते हैं. 2 + कितने करेंगे तो आंसर हमारा 10 आएगा. 2 + 8 करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. अब हम 10 में से पहले 8 को लेस करते हैं. 10 - 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2. अब 10 में से 2 को लेस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 8. नाउ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे 3 लेते हैं. तो 3 में कितने प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 10 होगा. तो 3 में 7 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 10. 3 + 7 इज इक्वल टू 10. अब 10 में से हम पहले 7 को कट करेंगे, तो 10 - 7, तो 10 में से 7 कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3. अब 10 में से 3 को कट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 7. नाउ 4 नंबर पे 4 लेते हैं. 4 में कितने प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 10 होगा. तो 4 में हम 6 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. 4 + 6 इज इक्वल टू 10. अब 10 में से 6 कट करेंगे तो 10 - 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4. और 10 में से अब 4 को लेस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6.